मिक्का पाजी के लिए, ईश्वर इनको और पैसा दे इनको और शक्ति दे, ये अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। सो ये पहले, हालांकि मेरी ये पर्सनल मेरे ऐसा ओपिनियन है कि यार जो भी आप करते हो करते रहो, और शायद लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है, जब भी आप कुछ करते हो वो दुनिया को बताना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि चार लोग जो हैं और इनकरेज होते हैं और अच्छा काम करने के लिए आते हैं। कई बार आपके पास सोर्सेज होते हैं लेकिन आपका ध्यान ही नहीं होता है, खाली मेरे ख्याल से एक ध्यान दिलवाने की ज़रूरत है। सो मिक्का पाजी की वजह से मैंने भी बड़े छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम शुरू किए हैं, और बहुत काम करते हैं लेकिन बताते नहीं, लेकिन बहुत हेल्पफुल है। पर ये है कि जो भी पाजी ये कर रहे हैं और हर बहुत सारी जगह पे ऐसा करते रहते हैं, लेकिन डिवाइन टच जो है, और आज जैसे गुरमीत ने अभी कहा कि मुझे भी ये नहीं पता था कि 4000 लड़कियां जो ऑलरेडी पास आउट हो चुकी हैं यहाँ से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके। सो बस ऊपर वाले से यही कामना करते हैं कि ये डिवाइन टच जो है ऐसे इसके साथ लोग जुड़ते जाएँ, कारवां और बड़ा होता जाए, और जितने भी जो लोग हैं जिनको शायद इतना सपोर्ट नहीं है अपनी जो स्टडीज़ करना चाहते हैं, जो भी वो लाइफ में करना चाहते हैं, सो डिवाइन टच उनके लिए अच्छे अच्छे काम करता रहे, और हम सब मिक्का पाजी के साथ खड़े हैं हमेशा ही। मेमोरी वही, मैं जब हम लोग पंजाब में रहते थे तो ये फेस्टिवल ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मनाया जाता है, और जहाँ जहाँ पे भी किसान है, एक्चुअली मुंबई में इतना हमें कम सुनने को मिलता है, लेकिन जहाँ पे भी पंजाबी स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लब्स बने हुए हैं तो वो लोग बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज की जो बैसाखी है ये बेस्ट है मेरी, आई थिंक। सो ये मेरी बेस्ट मेमोरी है। सो नेक्स्ट ईयर कभी आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी बैसाखी की बेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो मैं ये बताऊंगा कि डिवाइन टच में जो हमने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया। हाँ जी, टच क्या है? सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तानियों को, पूरे हमारे किसान भाइयों को बैसाखी दी लख लख बधाई हैं। आज बहुत अच्छा त्यौहार है, हालांकि 13 तारीख को है, लेकिन हम आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं डिवाइन टच के बच्चों के साथ। और डिवाइन टच को रन करते हैं ऑलमोस्ट 6 साल हो गए मुझे, और 4000 गर्ल्स यहाँ से यू नो पढ़ लिख के गई हैं, कोर्स करके गई हैं। बेसिकली डिवाइन टच है जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्यूटी पार्लर, स्टिचिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, एजुकेशन, अंडर प्रिविलेज गर्ल्स जो हैं उनको हम ये देते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि कपिल पाजी आ जाए हैं और बच्चे बहुत खुश हो गए हैं इनको देख के। सो पिछले 2 साल से हमारा मुंबई में सेंटर नहीं चल रहा था, लेकिन दिल्ली में चल रहा था। अभी हमने दोबारा से इसको स्टार्ट करा, और खुशी है कि और बच्चों को हम ट्रेनिंग दें, उनको सही रास्ता दिखाएं। गुरमीत ने जैसे कि आपने एक एक्टर की मदद की है सारी सिद्दीकी, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते किस तरह से आपने हेल्प की? सेवी सिद्धू बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, मैंने उनकी काफ़ी मूवीज़ देखी। मैं पर्सनली उनको जानता नहीं था, बट उनकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत यू नो थोड़ा दुख लगा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। आफ्टरऑल बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, और बहुत सारे उनके फ्रेंड्स इंडस्ट्री में जो सामने नहीं आ पाए। सो मेरी खुद की मूवी अभी कंप्लीट हुई है आदत, जिसमें बिपाशा बासु हीरोइन है, करण सिंह ग्रोवर है, तो मैंने शुरुआत वहीं से उनकी कराई है। ही इज़ ए फैंटास्टिक आर्टिस्ट, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे लोगों को और सपोर्ट करें जो टैलेंटेड। नहीं, मुझे एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर कि आप जो आपने बोला कि 600 लोगों ने ऐसा बोला कि वोट ना करें, हालांकि मैंने जितने भी सोशल मीडिया पे देखे हैं सभी, हाँ सब यही अपील कर रहे हैं कि आप वोट ज़रूर करें, बिकॉज अगर आप वोट नहीं करेंगे तो, अगर 100% वोटिंग नहीं होगी, 50% भी होगी, गवर्नमेंट तो तब भी कोई ना कोई फॉर्म आएगी, लेकिन अगर आपका योगदान रहेगा तो और अच्छी बात है, बिकॉज कल को आपको ये रिग्रेट नहीं रह सकता कि यार मैं चाहता था कि ये गवर्नमेंट आई है, ये पार्टी आए। सो वोट सबको करना चाहिए, आपका अधिकार है। थैंक यू बच्चों, और मिक्का पाजी को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, उनकी सारी टीम को, किरण जी को, और गुरमीत मेरे भाई, और ये बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं मिक्का पाजी, और ये साइड लोगों को बड़ी कम पता है। और जो भी हमारे मीडिया के यहाँ पे दोस्त आए हैं उनका भी बहुत बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ये नहीं है कि दिखावा नहीं है, बल्कि ये होता है कि अगर 4 लोग हमारे मीडिया से दोस्त आए हैं तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये लोग देखें, ताकि वो भी इनकरेज हों, और हमारे बच्चों के लिए कोई भी अच्छा काम, कोई भी सोशल कॉज को लेकर उसको एक अच्छा काम करें सब, और सबको इंस्पिरेशन मिलती है। सो डिवाइन टच के बारे में मैं हमेशा सुनता रहा हूँ, और लेकिन आज पहली बार मौका मिला है आप सबके बीच आने का। सो ये जो बच्चों के चेहरे पे स्माइल है ये देख के बड़ी खुशी होती है। मिक्का पाजी गॉड ब्लेस यू, आप बड़े अच्छे काम करते रहते हो, सो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती रहती है। सो बस आप सब लोग खुश रहो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे बनी रहे, सो जब भी आप आवाज़ लगाओगे हम लोग आ जाएंगे। थैंक यू। पहले तो थैंक यू कपूर जी, आप आए, थैंक यू गुरमीत यार सर।
सरप्राइज दिया आपने, और आप सभी बच्चों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए हो। आई एम श्योर कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि पिछले 7 साल से मैं कर रहा हूँ डिवाइन टच के लिए, और पिछले 2 साल से हमारा ये सेंटर संभव बंद हो गया था, अभी फिर आप लोगों के लिए हमने शुरू करा है। स्पेशली जो भी अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। और थैंक यू किरण, थैंक यू फाल्गुनी, थैंक यू एवरीवन फॉर मेक मी फील सो स्पेशल। और विसाखी है हमारी 13 तारीख की, तो आप सभी को विसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे कपिल सर जो है सबको हंसाते हैं, तो मैंने सोचा बच्चों को सबसे पहले एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए कि हमारा सुपरस्टार कपिल पाजी आपके लिए आए और जोरदार तालियां कपिल सर के लिए। तो कपिल पाजी भी सामने कभी नहीं आते, लेकिन पीछे से बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी हम खुल के आपको सपोर्ट करेंगे, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, हमसे जो भी होगा हम करेंगे। और थैंक यू सो मच आप सभी आए। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.